दोस्तों बॉलीवुड के स्टार किड वरुण धवन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी फिल्म के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा और उनकी अपकमिंग फिल्म बवाल को धक्के मारकर थिएटर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इतने बड़े डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे होने के बाद भी आखिर वरुण धवन की फिल्म के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए बताता हूं मैं आपको आज की इस वीडियो में। और ये जानकर मैं पक्का कहूंगा कि आप भी चौंक जाएंगे और कहेंगे कि भैया ये तो होना ही था। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और मैं आपको बताता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जानवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बवाल को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं और कुछ दिनों पहले ही बताया गया था कि ये फिल्म थिएटर्स में नहीं बल्कि ओटीटी पर रिलीज की जाएगी और अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि बवाल 21 जुलाई को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी जाएगी। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के प्लॉट पर बनी इस फिल्म का निर्देशन दंगल के लिए जाने जाने वाले नितेश तिवारी ने किया है और अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट आया है कि इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला आखिर क्यों लिया गया है। देखिए बताया जा रहा है कि साजिद नाडियालवाला को फिल्म के डायरेक्ट टू डिजिटल प्रीमियर के लिए अमेजन प्राइम वीडियो से बहुत अच्छी डील मिली है और अब ऐसे में जब ओटीटी का बाजार चरम सीमा पर है उस वक्त साजिद नाडियाडवाला ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते जिसके कारण उनकी फिल्म फ्लॉप हो या फिर उनको घाटा हो। देखिए अगर बात करें वरुण धवन के फिल्मों के ट्रैक रिकॉर्ड की तो उनकी लास्ट रिलीज फिल्मों ने कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा है थिएटर्स पर और उनकी फिल्में फ्लॉप ही रही हैं क्योंकि जनता बहुत ही समझदार हो चुकी है और ये लोग ना तो स्टार किड्स की फिल्मों को थिएटर्स में देखना पसंद करते हैं और ना ही रीमेक फिल्मों को। इसी कारण चलते हुए साजिद नाडियाडवाला ने वरुण धवन और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म बवाल को थिएटर में रिलीज करने की बजाय अमेजन प्राइम ओटीटी चैनल पर ही रिलीज करना मुनासिब समझा जिसके कारण वरुण धवन और जानवी कपूर दोनों ही साजिद नाडियाडवाला से नाराज नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों उनकी नाराजगी के कारण साजिद नाडियाडवाला अपना नुकसान थोड़ी ना करवाएंगे। बाकी दोस्तों साजिद नाडियाडवाला के इस फैसले पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों ये भी जरूर बताना कि क्या बवाल मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाना चाहिए था या नहीं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।